हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज घर और किचन के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। वीडियो की स्पीक नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला ट्रिक इस तरह से हमारे ब्लाउज को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हम ब्लाउज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देखिए इस तरह से जो ब्लाउज को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करना है, मुझे ब्लाउज का अच्छी तरह से बटन को लगा लेना है। अब बटन लगाने के बाद आपको करना क्या है, हमें ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। तो देखिए, उल्टा हमने ब्लाउज को कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, मैं इसका बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो चलिए, मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है। अब मुझे ले लेना है सुई धागा। तो दोस्तों, ब्लाउज जो है मैंने उल्टा कर लिया है, और इस तरह से सुई धागा के हेल्प से मुझे नीचे का जो हिस्सा है, मुझे अच्छी तरह से इसको सिल लेना है। तो चलिए, इसको बराबर करते हुए मैंने सुई की हेल्प से ये नीचे वाला पार्ट को मैं सिल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने डबल धागा ले लिया है, जो ब्लाउज में इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैंने वही ब्लाउज ले लिया है। मुझे इस तरह से इसको सिल लेना है। तो चलिए, मैं इसको सिल लेती हूँ। तो दोस्तों, सिलने के बाद मैं देखती हूँ कि आगे मुझे क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए, इसको मैं सिल के तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमने इसको इतना सिल लिया है। अब आगे भी इसको तैयार कर लेती हूँ सिल के। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपके समझ में नहीं आने वाला है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको सिल लिया है। तो चलिए, मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे इसका करना क्या है। तो देखिए, मैंने सिल लिया है, अब मुझे इसको कर लेना है सीधा। अब हमें ऊपर की तरफ से इस तरह से बाजू को पलटते हुए इसको मुझे सीधा कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम ब्लाउज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसको पहनते नहीं और यूज नहीं करते हैं। तो चलिए, आगे हम बताते हैं कि इसको करना क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें ले लेना है एक हैंगर। तो दोस्तों, हैंगर में इस तरह से हमें अपने ब्लाउज को अटैच कर लेना है। तो चलिए, आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ कि मुझे इस तरह इसको, इस ब्लाउज को मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से हम ज्वेलरी वगैरह जब ले लेते हैं, तो दोस्तों हमें रखने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो देखिए क्या होता है, इस तरह से आप ब्लाउज के अंदर आप ज्वेलरी रख लीजिए, और क्या होता है कि इसमें आप अपना पर्स वगैरह, किट वगैरह रख लीजिए। अब बिल्कुल किसी को नहीं पता चलने वाला है जहाँ पर आप अपने सामान वगैरह को हैंग करते हैं। इस तरह से आप वहाँ पर लगा के आप इसको हैंग कर सकते हैं, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने वाला है। चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चाहे आपका गोल्ड है, अगर इस तरह से साड़ियों के बीच में ब्लाउज लगा के रख देंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिए, इस तरह से किसी को नहीं पता चलने वाला है कि मैंने इसमें ज्वेलरी रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये है ना कमाल का आइडिया। चाहे इसमें अपना किट रख दीजिए, चाहे ज्वेलरी रख दीजिए, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलने वाला है कि मैंने इसमें कितने सारे सामान रखा है। और दोस्तों, इस तरह से अगर आप अलमारी में, हैंगर में साड़ी लगाते हैं, इस तरह से इस ब्लाउज को बीच में लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए, बिल्कुल किसी को नहीं पता चलने वाला है कि मैंने इसमें ब्लाउज में क्या क्या चीज़ें रख रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक आप सभी को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने कितने सारे इसमें सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम डिब्बे रहते हैं तो हम बहुत सारे फेंक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया डिब्बा है ये। इस तरह से डिब्बा हमारे घर में आ जाता है तो फेंकने का मन भी नहीं करता है। हम सोचते हैं कि इसमें कोई ना कोई चीज़ रखें, और काफ़ी यूजफुल ये डिब्बा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस डिब्बे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी गहरा डिब्बा है। तो आज हम इस डिब्बे में बहुत सारे बर्तन रखने वाले हैं। अब बहुत ही कमाल का टिप्स है दोस्तों, इस टिप्स को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से डिब्बे को हम फेंक देते हैं। तो आप देखते रहिए, मैंने इसमें कितने सारे जो हम बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि हम स्टैंड वगैरह में गिलास वगैरह लगा देते हैं। आपने देखा है कि जो हम बर्तन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस पर ऑयली भी हो जाता है, काफ़ी चिपचिपा भी हो जाता है। तो जब भी हम उसको बर्तन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें धो के ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से जो आप कटोरी, गिलास, जो भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, इसको इस तरह से आप ज़रूर रखिएगा। और कप वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ढेर सारे बर्तन भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल ये दोस्तों एक कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने मैंने कितने सारे बर्तन रख दिया है इसमें।
और कप हो गया, प्लेट हो गया। प्लेट तो हम वैसे भी ज़्यादा कप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो दोस्तों इस तरह से क्रोकरी का भी बर्तन रख सकते हैं। तो देखिए बस हमारे इसमें इतने सारे आया है, ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए जिस तरह से हम इसको बांधा था ना, इस तरह से हम इसको बांध देते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, इसको कोई यकीन नहीं मानने वाला है कि मैंने इसमें बर्तन रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है, और देखने में भी परफेक्ट। इसको आप कहीं भी उठा के रख देंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं करने वाला है कि मैंने इसमें क्या रखा हुआ है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। तो दोस्तों अगला ट्रिप हमारा इस तरह से साबुन को लेके। तो दोस्तों इस तरह से साबुन जब हम बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो हम करते क्या है, इस तरह से साबुनदानी में रख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से, एक तो बारिश का मौसम है, एक तो हवा नहीं लग रहा है, धूप नहीं हो रही है, तो इस तरह से हमारा साबुन चिपचिपा हो जाता है, काफ़ी फूल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप साबुन को ना रखें, इस तरह से ढक्कन पर रखेंगे तो आपका साबुन बिल्कुल नहीं पिघलेगा और काफ़ी सूखा रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को ज़रूर एक बार आप लोग फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।